यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा ने 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में शिरकत की। इस दौरान पर्यटन मंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री कविता जैन भी मौजूद रही। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के चलते मेले में कलाकारों को परेशानी हुई, आने वाले दिनों में उम्मीद है मेला अच्छा होगा। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इसमें कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, हमारे मंत्री साथी विधायक साथी आए हैं और राजस्थान से भी चौधरी जीतराम पूर्व विधायक वो हमारे पुराने साथी हैं, वो भी आए हैं। वो तो प्राकृतिक है जी, परंतु अब भगवान की दया से आने वाले समय में सब कुछ अच्छा रहेगा। ओलावृष्टि अच्छा। हमने हरियाणा सरकार ने हरियाणा में आज मेरे चुनाव क्षेत्र महेंद्रगढ़ में भी मैं उन 10 गांवों का दौरा करके आया हूं और भी कई स्थानों पर ये समाचार मिले हैं। हमने हरियाणा सरकार ने अपने सभी तहसीलदारों को सभी डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटी लगाई है कि वो सब जहां जहां ओलावृष्टि हुई है उसकी एक सप्ताह के अंदर अंदर गिरदावरी करके किस खेत में कितनी हानि हुई है, कितना परसेंट हुई है, और एक सप्ताह के अंदर हम इस काम को पूरा करेंगे।